नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भेजी टेक्निकल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं लिनोवो द्वारा लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट जिसका नाम है मोटो जेड। जी हां दोस्तों, मोटो को एक्वायर कर लिया है लिनोवो ने, तो उन्होंने एक अभी लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया है मोटो जेड नामक, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर के साथ में आता, काफ़ी अच्छी तगड़ी स्पेसिफिकेशन। और मेन बात इसकी ये है कि ये जो है मोटो मॉड्स के साथ में आता है। मॉड्स यानी कि एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो कि आप इसमें अटैच करके आपके फ़ोन का बहुत सारा जो भी फीचर्स है एनहांसमेंट कर सकते हैं अच्छी क्वालिटीज और चीज़ों के लिए। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं। और आपको बता दूं कि 17 तारीख से आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पे एक्सक्लूसिव अवेलेबल है। रात को 16 की रात से अवेलेबल हो जाएगा, रात को 11:59 में 11:59 से अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर आप रजिस्टर फॉर अपडेट से मोटोरोला की साइट पर जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखते हैं क्या क्या फीचर्स है, क्या है इसमें, आपको क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सब हम देखते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये डिवाइस तकरीबन 40,000 रुपये का भारतीय बाजार में मिलेगा। और इसके साथ में जो लॉन्च किया गया मोटो जेड प्ले, वो आपको मिलेगा करीब 25,000 रुपये में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मोटो जेड प्ले। और दूसरा जो इसके बारे में हम रिव्यू कर रहे हैं वो है मोटो जेड, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं। ये मोटो मॉड्स के साथ में आता है। मोटो मॉड्स क्या है आपको देख लेते हैं। चलिए इनके यहाँ पे इन्होंने एक वीडियोस भी दिया है, उसमें देख लेते हैं मोटो मॉड्स क्या होता है। ये आप देख सकते हैं मोटो मॉड्स में ये स्पीकर है। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा दिखा है, स्पीकर जो है कन्वर्ट हो गया है और ये एक अलग से अटैचमेंट बन गया, आपके फ़ोन के बैक साइड में लगेगा जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ में आता है। आपके इसको टच हो जाएगा और ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, आपको कोई इसमें करने की ज़रूरत नहीं, लाइक प्लग एंड प्ले की तरह ही है। ये प्रोजेक्टर है महंगा इनका जो मॉड्स है उसमें से एक है ये प्रोजेक्टर, ये काफ़ी महंगा है, करीब 17,000 से 18,000 रुपये में आएगा अलग से। ये एक्स्ट्रा बैटरी है जो कि ये भी इनका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा दिखा है। ये एक्स्ट्रा बैटरी आपके मोबाइल में ऑलरेडी 2600 mAh की दी गई है, लेकिन आप और चाहते हैं तो और एक्सपांड कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन दिखा है। तो फिलहाल इनके रिप्रेजेंटेशन में इतना ही है, आगे और भी देखते हैं इनके क्या क्या फीचर्स हैं। बैटरी जो है टर्बो चार्जिंग है, चलिए देख लेते हैं। पावर फॉर यू होल्ड है, 2600 mAh की काफ़ी अच्छी बैटरी है और 15 मिनट आप चार्ज करेंगे तो 7 घंटे की आपको बैटरी चार्जिंग देगी। टर्बो पावर चार्जर आता है, USB टाइप सी पोर्ट के थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी है। फिंगरप्रिंट सेंसर जो इसके फ्रंट में दी है और 2 कैपेसिटिव बटन लेफ्ट राइट पर जैसे आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो भी है। चलिए इनका सेकेंड फीचर देखते हैं और क्या क्या इन्होंने बताया है। एडवांस कैमरा के बारे में बताया इन्होंने, बोला कि 13 MP का बैक कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा है सेल्फी लेने के लिए। और इनका जो 13 MP का रियर कैमरा है वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन करता है, लेजर ऑटो फोकस के थ्रू आपके सब्जेक्ट को ही कैप्चर करता है, डे लाइट और नाइट लाइट में काफ़ी अच्छी फोटो देता है, तो क्रिस्टल क्लियर इमेज के लिए काफ़ी अच्छा है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया। और इसका जो जेड प्ले था उसमें इन्होंने 16 MP कैमरा दिया था, हालांकि ये काफ़ी अच्छा क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है ये कॉड HD है। जी हाँ, फुल HD के भी ऊपर का एक स्टेप होता है वो कॉड HD, वो काफ़ी अच्छी स्क्रीन होती है। तो और देखते हैं इन्होंने फोटो 2 ईयर्स के लिए फोटो स्टोरेज के दिया है, नॉर्मल जैसे जेड में दिया है जेड प्ले में उसी तरह इन्होंने ये दिया है। आगे फीचर्स देखते हैं इनका परफॉर्मेंस के बारे में। पासवर्ड एज ए यूनिक, आप फिंगरप्रिंट सेंसर के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें आपको यूनिकनेस कर सकते हैं कि आप ही उसको खोले, आपके फिंगरप्रिंट से ही खुलेगी। ब्यूटी इन एवरी फ्रेम ब्रिलियंस, क्योंकि इसका 4K की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। 77 more pixels देन फुल HD 1080 से जा, क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि क्वाड HD की डिस्प्ले है जो कि 1080 से अधिक होती है, ठीक है। डू एट ऑल द वंस, क्योंकि इनका जो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा जो कि 4GB इंटल मेमोरी के साथ में आता है, 64GB इंटल मेमोरी है, 4GB का रैम है और जो भी इसमें एक्सपांडेबल है वो 2 TB तक हाल आपको मिलेगी नहीं, लेकिन फ्यूचर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मार्केट में अवेलेबल आ जाएगी तो, ठीक है। तो बहुत अच्छा वो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, गेम वगैरह खेलने में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आएगा क्योंकि इसकी स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी, बैटरी भी है अलग से, आप इसमें मॉड्स इस्तेमाल करके बैटरी की परफॉर्मेंस और भी बढ़ा सकते हैं। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। अमेजिंगली रेस्पॉन्सिव है, किस तरह है देख सकते हैं। एक्सपीरियंस का जो एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा है, प्योर एंड्रॉयड है, आपको इसमें कोई क्लस्टर वर्जन वगैरह नहीं है, प्योर फॉर्म में जिसके थ्रू आपको रैम ज़्यादा मिलेगी, अधिक मिलेगी। मोशन जेस्चर इसमें जो भी सेंसर वो काफ़ी अच्छा काम करता है, इन्होंने बताया कि आप अपने ट्विस्ट अगर कैमरा आपकी तरफ रखते हो, रियर कैमरा आप अगर ट्विस्ट करते आगे रिस्ट को तो आपको कैमरा ऑन हो जाएगा और आप फोटो ले सकते हैं।
आप अपने हाथ को फ्री रख के गूगल इनका जो वॉइस है मोटो वॉइस उसके थ्रू आप ये बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने बोला कि आप डायरेक्शन सर्च कर सकते हैं, आपको कहाँ से कहाँ जाना है ये आपको दिखाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स मुझे लगा है। और इन्होंने लिखा कि जेस्चर्स में, जैसे कि आप फ़ोन को दो बार शेक करिए नीचे की तरफ, जैसे कि आप कट कर रहे हो कोई चीज़ को, तो उस तरह दो बार करेंगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं। पावरफुल ड्यूरेबल डिज़ाइन दोस्तों, डिज़ाइन के मामले में तो मैं बोलूँगा कि ये सबसे आगे निकलता आज तक जितने भी प्रोडक्ट बने हुए, क्योंकि इन्होंने बोला कि अब तक की सबसे जो भी स्लिमेस्ट फ़ोन है वो इन्होंने बनाया है, मोटो जेड रिजर थिन एंड अल्ट्रा लाइट। बहुत ही हल्का है, करीब 136 ग्राम का है जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। और ये जो भी बनाया गया है मिल्ट्री एल्यूमिनियम ग्रेड, ठीक है, मिल्ट्री एयरक्राफ्ट का जो भी एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील यूज़ होते हैं उसके थ्रू बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा क्वालिटी का मटेरियल है, जो कि आपको एक ओवरऑल अच्छा लुक देगा, लोगों के बीच में भीड़ में काफ़ी यूनिकनेस है। तो ये सब चीज़ें तो इन्होंने हाईलाइट में कर दी है, और इसके बारे में हम और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एक फटाफट इसके स्पेसिफिकेशन की तरफ ध्यान दे देते हैं कि मार्शमेलो का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, नटमेग पता नहीं क्यों नहीं दिया इन्होंने। 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का आपको प्रोसेसर मिलेगा, 530 की जीपीयू है, 820 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, लेटेस्ट 4 GB की रैम है, 64 GB की इनबिल्ट मेमोरी है, और इसका जो प्ले है उसमें 32 है और 2 TB तक एक्सपांडेबल है। लाइट 136 का बहुत ही हल्का है, और डिस्प्ले एमोलेड है, इसमें सुपर एमोलेड नहीं है, इसके जो भी प्ले था उसमें सुपर एमोलेड था, 5.5 इंच की स्क्रीन है, लेकिन इसका जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है, क्वाड एचडी का 1440x1440 की है, गोरिल्ला ग्लास के साथ में आता है। बैटरी आपको बता ही चुका हूँ 4G है, ड्यूएल सिम है, सेंसर सभी तरह के आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटोमीटर हॉल इफेक्ट गायरोस्कोप एम्बिएंट एक्सेलेरोमीटर फिंगरप्रिंट रीडर सारी चीज़ है। और कैमरे की तरफ मुड़ते हैं, 13 MP का लेजर ऑटो फोकस का, जीरो शटर लैग है के साथ में आता है, बहुत सारे फंक्शंस है, 8x डिजिटल जूम है, और जो इनका जो प्ले था उसमें 4x का था, नाइट मोड है, ऑटो HDR है, पेनारोमा है, बहुत सारे एडिशनल 1080 की वीडियो आप 60 FPS ले सकते हैं, इसकी क्वालिटी देखिए, 4K की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते, 30 FPS से वीडियो प्ले कर सकते, स्लो मोशन वीडियोज़ भी कैप्चर कर सकते हैं आप इससे। फ्रंट कैमरा जो भी है इसको वाइड एंगल का है, जो कि आप सेल्फी ग्रुप ले सकते हैं, नाइट ऑटो मोड के साथ में डिफ्यूजन सॉफ्टवेयर भी आता है उसके साथ में, टाइप सी पोर्ट है ये, जो कि 3.552 USB का आपको एडेप्टर भी मिलेगा, जैसे कि बहुत सारे फ़ोनों में भी आने लग गया है टाइप सी का। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, जैसे कि एप्पल ने लॉन्च किया तो उसी के बेस पे है ये भी, ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी है, 4.1 की एडवांस है, और आपको वाईफाई के सारे स्टैंडर्ड मिलेंगे, ABGN और लेटेस्ट AC भी मिलेगा, जो कि काफ़ी एडवांस है इन सबसे। और आपको वीडियो कैप्चर जो बता ही चुका हूँ 60 FPS के हिसाब से भी कर सकते हैं, हाई डेफिनेशन की और 4K 30 FPS से कर सकते हैं। आपको कलर बता दें कि क्या क्या है, ब्लैक विथ लूनर ग्रे ट्रिम है, ब्लैक फ्रंट लेंस है, फाइन गोल्ड है, वाइट फ्रंट लेंस है। तो आपको देखने वाली बात होगी कि ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी क्या है, तो आपको बता चुका हूँ कि आप जा सकते हैं अमेज़ॉन पर 17 तारीख को सुबह जाइएगा, यानी कि 16 की नाइट को 12 बजे जाइएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, दोनों है प्ले और जेड, आप दोनों ले सकते हैं, भारतीय बाजारों में आ चुका है, और इनका ड्रॉइड आने वाला है, उसके बारे में हम देखेंगे जब आएगा, लॉन्च होगा भारतीय बाजार में। तो भाई जी टेक्निकल देखने के लिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू।